गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ bankersadda.com। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बेस्ट 200 प्लस करेंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज। बिल्कुल गेम चेंजर बैच कहा जा रहा है इसको, क्योंकि भाई ये गेम चेंजर होता है। जनरल अवेयरनेस हमेशा से गेम चेंजर रहा है दोस्तों, तो बहुत बढ़िया गेम चेंजर हमेशा से रहा है। अभिषेक कौशिक थैंक यू सो मच, अनमोल, रजनी, दिव्या, रॉयल, राहुल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, जुड़ते जाइए, सेशन को शेयर करते चलिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सीरीज मैंने शाम को शुरू की है 6:30 बजे, आपको 7:45 बजे यहाँ पे डेली मिलेगा, जिस शो में मैं आप लोगों को सारे ये करेंट अफेयर कराऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी इस समय फैब चल रहा है, फरवरी के बाद मैं मार्च कराऊंगा, मार्च के बाद मैं अप्रैल कराऊंगा, उसके पहले एकदम लेटेस्ट वाले लेके चलेंगे, उसके बाद फिर पीछे के भी लेके चलेंगे। तो अभी फैब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, हमारे 2-3 सेशन हो चुके हैं अलग अलग नाम से, आप देख लेंगे। और ये आज हम लोग का तीसरा दिन है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी चीजें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक थॉट ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं दिन की। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि सपने अपने बड़े बनाइए, सपने बड़े चुनिए और फिर उनको उनके लिए लग जाइए। याद रखिए, सफलता जो है फेलियर का अपोजिट नहीं है, फेलियर के साथ साथ सफलता चलती है। जितनी अधिक बार आप फेल होंगे, उतनी सफलता के नज़दीक पहुंचेंगे। अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, इसलिए फेल होना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले। तो मॉक टेस्ट दीजिए, वहां पे नंबर देखिए और वहां पे अपने फेलियर का इवेल्युएशन कीजिए, और फिर आप हर एग्ज़ाम के बाद 5-5 नंबर इंक्रीज करते जाएंगे और आप अंतिम में आपके प्री निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर मेंस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस साल नौकरी मिलती है उस साल 4-5 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि मेरे तो ये भी निकल गया, अब मैं जाऊं तो किस जगह जाऊं। फिर आप आते हो हमारे पास, गुरुजी बताइए, काउंसलिंग कीजिए, कौन सी जॉब बेटर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए, इस समय आपके पास 47% डिस्काउंट चल रहा है, Y162 कोड यूज करना है आप लोगों को और यहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट का फायदा लेना। Y162 कोड पे सबसे बेस्ट डिस्काउंट है। महापैक लीजिए, नेटफ्लिक्स की तरह लाइव क्लासेस लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, वीडियो कोर्स लीजिए या किसी का भी बैच लीजिए, Y162 कोड यूज कीजिएगा और 47% डिस्काउंट। वहां नहीं दिया होगा Y162 कोड, यहीं पे आपको Y162 कोड याद कर लेना है, ठीक है। गेम चेंजर बैच मेरा आया है, जिसमें मैं 2 दिन बैंकिंग, 2 दिन करेंट अफेयर, 1 दिन बर्निंग इशू वीक के पूरे, और 1 दिन स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला, पूरा मंडे टू सैटरडे पूरा पढ़ाने वाला हूँ। अड्डा 24/7 लाइव क्लासेस, मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। Y162 कोड यूज करना है, आप लोगों को पता ही है, Y162 कोड करके यूज करके आप ये सारे बैच अलग अलग ले सकते हैं, सारे महावीरों के अलग अलग बैच आए हुए हैं। अच्छा, अगर सारे बैचेस आप एक साथ लेना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप लेना चाहते हो आशीष सर का वॉरियर बैच और मेरा आप लेना चाहते हो गेम चेंजर बैच, तो 1400 रुपये तो तुम्हारे ऐसे ही हो गए, 800-1600 रुपये ऐसे ही हो गए, डिस्काउंट अलग। मान लो तुम अब चैंपियन बैच सौरभ सर का भी लेना चाहते हो तो भाई 800 रुपये और हो गए, सिद्धांत सर का लेना चाहते हो तो अब क्या करोगे, अलग अलग सबके बैच लोगे? तो नेटफ्लिक्स की तरह महापैक ले लिया ना, महापैक ले लिया, एक जितने भी एग्जाम है, जितने भी बैचेस बन रहे हैं, चाहे कंबाइंड चाहे इंडिविजुअल, बैंक के एग्जाम के जितने बैच बन रहे इस महापैक में मिल जाएंगे। एक मंथ का सब्सक्रिप्शन है 1499 में बिना डिस्काउंट के, अभी 47% डिस्काउंट ऐप के थ्रू जाने पे जो मिल रहा है वो तो है ही, ऐप के थ्रू जाएंगे तो 5% डिस्काउंट और मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, 3 महीने में जिसका भी जो भी बैच बन रहा है, SBI तक का बैच बन रहा है, RRB का बैच बन रहा है, किसी का इंडिविजुअल बैच, सब इसमें मिल जाएगा। 3 महीने का ये पैक है, 12 महीने का पैक, यानी अगले साल तक जिस भी टीचर का जो बैच बनेगा सब यहाँ मिल जाएगा, पूरे 12 महीने। जो हर बैच अलग अलग खरीदते हैं महंगा पड़ता है, एक बार में ले लिया छुट्टी हो गई, 6 महीने का भी बैच है, अब इसके बाद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो Y162 कोड पे 47 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो महापैक का फायदा उठाइए। जैसे नेटफ्लिक्स का जो फायदा मिल जाता है ना, एक साथ सारे मूवीज, सारे वेब सीरीज, सारे चीजें आप एक साथ देख पाते हो, वही मजा है इस महापैक में, ठीक है। महापैक के बारे में लोगों को पता नहीं होता, इसलिए बेचारे अलग अलग बैच खरीद के जो है उनके साथ जो है थोड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि महापैक भी आप लोगों को पता रहे। जब आप 2 बैच लेना चाहते हो तो 2 बैच ना लेके महापैक ले लो, 2 बैच के प्राइस में 10 बैच, 20 बैच, 50 बैच मिल जाएंगे आपको। आइए आ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी द नेशनल वॉर कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड रिसेंटली, यानी हाल ही में किस शहर में नेशनल वॉटर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनेगा
बी भोपाल में आयोजित की गई थी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूक लैब के बिजनेस स्कूल रैंकिंग 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक स्कूल बिजनेस स्कूल दुनिया में थर्ड रैंक पे था एक इंडियन स्कूल, और वो उस इंडियन इंस्टीट्यूट का नाम क्या है दोस्तों? तो IIM रोहतक, क्या सॉरी IIM बेंगलोर, IIM बेंगलोर जो है ये जो है थर्ड नंबर पे था। क्लियर है बात, यहाँ पे समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शशांक दत्त कह रहे भाई सब लोग शेयर कर दो, भाई शेयर कर दो शशांक, बहुत दिन बाद दिख रहे हैं आप। द नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड हैज एस्टेब्लिश्ड अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर नेम सरस। सरस स्टैंड फॉर, सरस का फुल फॉर्म आपको बताना है तो बिल्कुल यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने सरस नाम से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया है, एस्टेब्लिश किया है। सरस का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, देखते कितने लोग यहाँ पे सही जवाब देते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनता है साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अप्लायंस एंड सपोर्ट। क्या आंसर बनता है? साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट। नेक्स्ट, द एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला के मंडलयोंग में है और हेड है तकिको नकाओ थे, अब हो गए मसद सुगु असाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड द फंडिंग ऑफ हाउ मच अमाउंट टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने पैसे को मंजूरी दे दी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनेगा ए, यानी कि $2 million। तो याद रखिएगा कोरोना, एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर हमारे किसी स्टेट को लोन देता है तो क्यों देता है, कितने का देता है, ये पिछले साल बहुत क्वेश्चन आया था। वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट को लोन दिया, कितने का दिया, तो लोन जब मिल रहा है तो कितने का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, किस स्टेट को मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA जो पेंशन फंड्स को रेगुलेट करता है, हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिनिमम नेटवर्क क्राइटेरिया फॉर पेंशन फंड मैनेजर्स फ्रॉम 25 करोड़ टू, यानी कि जो विनियामक और विकास प्राधिकरण है पेंशन का PFRDA, उसने पेंशन फंड मैनेजर्स के लिए, यानी जो पेंशन की जो फंड जो है कि मैनेज करती हैं कंपनियां जो पेंशन फंड्स लेके आती हैं, उनके लिए जो मिनिमम नेटवर्थ रखा है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखा है, था पहले 25 करोड़ था, अब उसको बढ़ा दिया है और कर दिया है 50 करोड़, यानी जस्ट डबल कर दिया है। यानी अगर आपके पास 50 करोड़ है तो आप पेंशन फंड मैनेजर बन सकते हैं। इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट ऑफ द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप एन AK-47 बुलेट राउंड फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 meters। बैलिस्टिक हेलमेट इज डेवलप्ड बाय एन इंडियन आर्मी मेजर, यानी भारतीय सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है जो 10 मीटर की दूरी से दागे गए AK-47 बुलेट राउंड को रोक सकता है। बैलिस्टिक हेलमेट एक भारतीय सेना मेजर द्वारा विकसित किया गया है, इन्वेंट किया गया है, उस भारतीय सेना मेजर का नाम बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर आएगा आप लोगों का अनूप कुमार मिश्रा। अनूप कुमार मिश्रा ने ये हेलमेट विकसित किया है। अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही आंसर करते हैं। बिल्कुल अगर लाइक करते चलेंगे तो मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। तो एक बार लाइक करते चलिएगा सेशन अगर पसंद आ रहा है। नेम द नासाज एस्ट्रोनॉट हु हैज रिटर्न्ड टू अर्थ आफ्टर हर रिकॉर्ड स्टे ऑफ 328 डे इन स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के उस अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 328 दिनों के अपने रिकॉर्ड प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौट आए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, नेपाल की एक माउंटेनियर थी जिन्होंने 189 डे में बहुत सारी माउंटेन पीक को जीता था, तो उन्होंने पूछा था कितने दिन में जीता था 189 डेज। ऐसे पूछ लेगा कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने दिन अंतरिक्ष में रह कर रिकॉर्ड बनाया है क्रिस्टालिना कोर्च ने, तो 328 दिन, ये याद रखिएगा। क्रिस्टालिना कोर्च, इनके साथ एक इनकी फ्रेंड थी जेसिका मीर, इन दोनों लोगों ने मिलकर के 7 घंटे से करीब बाहर तक अंतरिक्ष में रह के अपने अंतरिक्ष यान से बाहर निकल करके स्पेस वॉक करके एक रिकॉर्ड बनाया। तो स्पेस वॉक बहुत शौक में तो नहीं किया होगा, मजबूरी में किया गया था। पहली बार केवल 2 महिलाएं स्पेस वॉक कर रही थी, और स्पेस वॉक करी क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष यान में कोई गड़बड़ी हो गई थी,
उस यूनिट को सही करना था, उस यूनिट को सही करने में उनको 7 घंटे लग गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्रिस्टलिना कोच एग्जाम के लिए बनेगा, क्रिस्टीना कोच बिल्कुल बनेगा। क्रिस्टीना कोच इनका नाम है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा आईएमएफ की हेड का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और एक और क्रिस्टीना लोगार्डे, वो आईएमएफ की पूर्व हेड है जो इस समय यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है। तो तीनों नाम एक जैसे लगते हैं, तो मिक्स नहीं करना है। ठीक है, और एक ग्रीस की प्रेसिडेंट पहली बार महिला बनी है कैटरीना, तो वो भी याद रखिएगा, है ना, कैटरीना सेकेला। तो कैटरीना कैसे जो है उनकी शक्ल अच्छी हुई ग्रीस लगा के, तो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटरीना, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट एन इन्वेंटरी एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ ऑर्नामेंट एट सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला मंदिर में आभूषणों की एक सूची और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? सबरीमाला मंदिर कहां पर है? कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, क्योंकि ये वही मंदिर है जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो ये केरल में है। अब इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कमिटी बनाई है, उसके हेड कौन है? तो बिल्कुल सीएन रामचंद्रन अय्यर है, ठीक है, नायर है। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के इस समय चीफ जस्टिस कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एम्प्लॉय ड्रोन फॉर मैपिंग ऑफ द विलेज? किस राज्य सरकार ने गांव की मैपिंग के लिए ड्रोन को लगाने का फैसला किया है? ड्रोन का यूज किया है गांव का मानचित्र खींचने के लिए, उस स्टेट का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश की सरकार। अच्छा, उस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार थी, है ना। तो उसके बाद फिर विश्वास मत नहीं साबित कर पाए कमलनाथ, 22 विधायकों ने उनका सपोर्ट छोड़ दिया, तो फिर शिवराज सिंह चौहान चौथी बार एमपी के मुख्यमंत्री बने। नेम द इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म विच गॉट द परमिशन फ्रॉम एनपीसीआई टू एक्सपेंड इट्स यूपीआई सर्विस टू 10 मिलियन यूजर्स। उस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं के विस्तार के लिए 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं की अनुमति मिली है। अब देखते हैं यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे राइट आंसर देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं एनपीसीआई के बारे में, जितने भी डिजिटल रिवॉल्यूशन हुए सब एनपीसीआई ने किए हैं। 2008 में ये आई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि चाहे आईएमपीएस हो, चाहे यूपीआई हो, भीम हो, रुपे कार्ड हो, चेक ट्रंकेशन सिस्टम हो, सब की सब एनपीसीआई की देन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किन दो संस्थाओं ने मिलकर ओपन किया था? तो आरबीआई और आईबीए, इन दो संस्थाओं ने मिलकर ओपन किया था पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। तो इसी के अंतर्गत यूपीआई आता है जिससे आप आराम से पेमेंट कर देते हो, केवल पासवर्ड मांगता है, ना तो आपका अकाउंट नंबर, ना तो आईएफएससी कोड, सारे झंझटों से यूपीआई की वजह से मुक्ति हो गई। तो यूपीआई सर्विसेज की वजह से ही फोन पे भारत पे गूगल पे चल रहे हैं। तो 10 मिलियन यूजर्स हो गए। अब तो पेटीएम भी यूपीआई की फैसिलिटी देने लगा है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मैं 12 बजे जो सेशन लेता हूँ प्योर बैंकिंग का, उसमें मैं ये सारे की सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले टाइप्स ऑफ पेमेंट पढ़ाया था, कल मैंने टाइप्स ऑफ चेक्स पढ़ाया था, आज मैंने टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताते चलता हूँ, पढ़ाते चलता हूँ दोस्तों। अच्छा चलिए, यूपीआई के भी लिमिट भी बढ़ा दी गई है, 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई। यानी आप एक यूपीआई पिन के थ्रू, यूपीआई ऐप के थ्रू आप 2 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कि यूपीआई के लिए किस 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले ऐप से हमें मदद मिलेगी, यानी इसके थ्रू भी अब यूपीआई हो सकेगी। जो भी यूपीआई में आ गया पेटीएम की तरह, तो उस कंपनी का नाम है व्हाट्सएप। क्या नाम है? व्हाट्सएप, वेरी गुड। एनी व्हाट्सएप ने याद रखिए कि रिलायंस मार्ट के साथ भी टाई अप किया है, क्योंकि इसकी मदर कंपनी व्हाट्सएप की फेसबुक है, जिसने रिलायंस के साथ टाई अप किया मुकेश अंबानी के साथ, और उसमें रिलायंस जियो में इसने 9.99% शेयर खरीद लिए हैं जियो में। इस पर मैंने बर्निंग इशू शो किया है, जो मैं रोज 1:30 बजे करता हूँ। एक बार जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाके सारे बैंकिंग पढ़ लो जो इस समय मैं कर रहा हूँ, और बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट सबसे नीचे मिलेगी अड्डा 24/7 यूट्यूब पे, वहाँ पे जाके आप सारे बर्निंग इशूज देख सकते हो कि क्या क्या टाई अप हुए हैं, पूरी उसकी न्यूज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट।
विश्व बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की है। तो बिल्कुल यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट पिनेलोपी जी ने रिजिग्नेशन की अनाउंसमेंट किया। मैंने बताया आपको क्रिस्टीना लगार्डे कौन थी भाई, क्रिस्टीना लगार्डे जो IMF की पहले हेड थी, अब आजकल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड है। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा इस समय IMF की हेड है। गीता गोपीनाथ इस समय IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट है ना। तो यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, और वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है, डेविड मालपास है। और वर्ल्ड बैंक की CFO कौन है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, अंशुला कांत है, जो भी वो इंडिया की है, SBI से वो रिटायर हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट्स टू एस्टैब्लिश, आज मैंने बेसल नियमों के बारे में बहुत डिटेल में बताया, टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में, 12 बजे का वो सेशन जरूर देखिएगा जिसमें मैंने क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, बहुत सारे रिस्क के बारे में बताया है, रिप्यूटेशनल रिस्क, सॉवरेन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, फॉरेक्स रिस्क, हर चीज के बारे में बताया दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट टू एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू पीपल इन रूरल एरिया एट देयर डोरस्टेप, यानी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर पर त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए क्या स्थापित करने का निर्देश दिया है। तो बिल्कुल इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारा बर्डन हो गया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत यानी ग्राम न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है कि भाई जल्दी से जल्दी ग्राम न्यायालय बनाइए, ताकि गांव पर ही उनकी जो है सारी चीजें हैं। अभी गांव के लोगों को डिस्ट्रिक्ट आना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना पड़ता है कोई भी केसेस की सुनवाई के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन इन राजमहेंद्र वर्मन सिटी टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस फॉर फीमेल विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, यानी किस राज्य सरकार ने यौन उत्पीड़न और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण और महिला पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए राजा महेंद्रवरम शहर में पहला दिशा पुलिस स्टेशन शुरू किया। याद रखिएगा दोस्तों एक चीज कि दिशा जो एक लड़की थी, एक वेटरन डॉक्टर थी, जिसको चार दरिंदों ने उसकी स्कूटी खराब करके उसके साथ गलत काम किया, उसको जला दिया, और उसके बाद उन चारों दरिंदों को वहां पे पुलिस ने इनकाउंटर में वहीं पे मार गिराया उसी जगह पे चार दिन बाद। और अगर कहा जाए तो दिशा एक्ट लागू किया गया था, क्या लागू किया गया था, दिशा एक्ट लागू किया गया था उसी के बाद, जिसमें यह कहा गया था, पेन अपने से चलने लग रहा है, देख रहे पेन अपने से ही चलने लग रहा है, आजकल जमाना खराब हो गया। देखिए तो दिशा, देखिए फिर चलने लगा, तो चलिए अब इसको नहीं चलाएंगे, आप लोग मुंह से समझिए। दिशा एक्ट में यह है कि 21 डे में ही सारे के सारे फैसले ले लिए जाएंगे और इन रेप के आरोपियों को सजा दे दी जाएगी। तो ये घटना हुई थी आंध्र प्रदेश में, तो बिल्कुल ये सभी कुछ आंध्र प्रदेश में ही हो रहा है। और आंध्र प्रदेश में जो इस समय चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, जगन मोहन रेड्डी साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following will replace Penelope Kojianou Goldberg as the interim chief economist of the World Cup? निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक के अंतरिम मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पिनेलोपी कोजियानू गोल्डबर्ग की जगह लेंगे? यानी अभी आपने देखा कि इनका रिजिग्नेशन हुआ है, ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है, इनका रिजिग्नेशन हुआ, तो अब इनकी जगह कौन लेगा, इनकी जगह कौन आ गए भैया, आर्ट क्रय आ गए। कौन आ गए, आर्ट क्रय, ये बात नाम याद रखिएगा। विश्वभूषण जगन मोहन, विश्वभूषण हरिचंदन जानू सिंह बता रहे हैं कि सर आंध्र प्रदेश के कौन है, गवर्नर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं आप लोगों के कमेंट भी देख लूं भाई, है ना, कोई इंपॉर्टेंट बात ना छूट जाए तुम लोगों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Name the Indian cricketer who has been appointed by Jindal South West Steel as its brand ambassador. यानी उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे Jindal South West Steel ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आंसर बनेगा दोस्तों तो ऋषभ पंत बनेगा, ऋषभ पंत। और अगर आपको याद हो तो भूषण स्टील जो देश का सबसे बड़ा NPA था, उसको भी जिंदल
साउथ वेस्ट स्टील JSW स्टील ही एक्वायर कर रहा है, ऐसी न्यूज इस साल आई है। और JSW स्टील की जो मालकिन है सावित्री जिंदल, वो देश की सबसे अमीर महिला है और कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहती थी। और इनके जो लड़के हैं नवीन जिंदल, वो भी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और उन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज संहिता को हमारे देश में लागू करवाया था सरकार से केस लड़के, यानी अमेरिका से पढ़ के आए थे। अमेरिका में अमेरिका वाले अपने झंडे को अपने घर पे फहराते हैं, हमें ये अधिकार नहीं था, तो ये अधिकार उन्होंने दिलवाया था नवीन जिंदल ने। और नवीन जिंदल ने स्टिंग ऑपरेशन में सुधीर चौधरी को फंसाया था, बहुत ही ब्रिलियंट आदमी माने जाते हैं। खैर, तो उन्होंने भारत का सबसे बड़ा तिरंगा उस समय फैलाया था केस जीतने के बाद, कुरुक्षेत्र में आज भी फहराया जाता है सबसे बड़ा तिरंगा ना। सबसे बड़ी अमीर जो महिला है वो सावित्री जिंदल, अनीता अंबानी मत बोल देना, मुकेश अंबानी की संपत्ति दो बार मत जोड़ देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेम द इंडियन कंपनी विच हैज साइंड फर्स्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद रशियन रोसनेफ्ट टू इम्पोर्ट 2 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ यूरल्स ग्रेड क्रूड ऑयल टू इंडिया फॉर ईयर 2020। यानी उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020 के लिए भारत के लिए उच्च ग्रेड के कच्चे तेल के 2 मिलियन मीट्रिक टन आयात करने के लिए रूसी रोसनेफ्ट के साथ पहली बार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अब बढ़िया तेल ही जो है भारत खरीदेगा, ये बात उसने जो है वो डिसाइड कर लिया है। अब अच्छे ग्रेड के ही वो ऑयल को इम्पोर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर बनेगा इंडियन ऑयल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए हैं रशिया की रोसनेफ्ट का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द अमेरिकन सिंगर हु हैज बिकम द एम्बेसडर ऑफ न्यू ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड फॉर इंडिया रिसेंटली अनवील्ड बाय ब्रिटेन्स प्रिंस चार्ल्स। इनको भी कोरोना हो गया था। उस अमेरिकी गायक का नाम बताइए जो हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स द्वारा अनावरण किए गए नए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड फॉर इंडिया के नए राजदूत बने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे केटी पेरी की ही बात हो रही है, तो केटी पेरी के भी हम लोगों ने बात की भी थी। What is the India's rank among the largest steel producer of crude steel as per World Steel Association data? विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग पहले थर्ड पोजीशन पे थी स्टील प्रोड्यूसर में, लेकिन अब इंडिया बन चुका है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील और फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है, और जिसको पीछे करने के लिए जापान हमारी मदद करेगा कि ताकि इंडिया जल्दी से जल्दी फर्स्ट पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has been certified by the UNESCO as the World Heritage Site? यानी कि यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी भारत के किस शहर को, किस सिटी को चुना है? तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर। जयपुर को यूनेस्को ने, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2 साल पहले सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट चुना था, जब उसने वाराणसी को जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कही जाती है ऋग्वेद में, जिसका वर्णन है जो देश का धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी, अगर कभी पूछ ले एग्जाम में कि व्हाट इज द कल्चरल कैपिटल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वाराणसी आप कहेंगे, जिसका प्राचीन नाम काशी था, जहाँ से मोदी जी सांसद चुन के आते हैं, तो जयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर को इस समय वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया। पाकिस्तान के लाहौर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुना गया है, यानी ये प्राचीन नगरी है, यहाँ प्राचीन ऐतिहासिक किले हैं जो कि संरक्षित किए जाने चाहिए, यूनेस्को ही ऐसे साइट्स को संरक्षित करता है। आगे बढ़ते हैं। 22nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो बिगिंस इन। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 22वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर बनेगा दोस्तों कि कोची केरला में शुरू हुआ है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रमोद अग्रवाल सही बता रहे हैं आप। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क ने सिटी ऑफ फिल्म मुंबई को चुना है, और सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हैदराबाद को चुना है, जो IBPS में क्वेश्चन भी पूछा था। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है पाक कला, व्यंजन, अच्छे अच्छे भोजन कहाँ मिलते हैं, व्यंजन कहाँ मिलते हैं, तो वो हैदराबाद में मिलते हैं। और हैदराबाद से मुझे एक चीज याद आती है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैंपस अगर अमेजोन ने कहीं ओपन किया तो वो इंडिया में हैदराबाद में ओपन किया। सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहीं ओपन की है तो वो इंडिया में की है, नोएडा में ओपन की है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी यहाँ पे मेक इन इंडिया हब बनते जा रहा है, तो हमारे लिए एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो बिल्कुल इस बार इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो जो हुआ है,
उसका थीम क्या है? तो इसका थीम क्या है दोस्तों, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन। यानी कि यहाँ पे अगर ब्लू रिवॉल्यूशन से या ब्लू इकोनॉमी से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, नया टर्म है, तो जितने भी समुद्र से जुड़ी हुई, ओशियन के आसपास से जो चीजें सरकार कमा रही है, लोग कमा रहे हैं, इकोनॉमी चल रही है, वो सब ब्लू इकोनॉमी कही जाती है, वो सब ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। चाहे सी फूड से कमा रहे हो, चाहे वो ऑयल से कमा रहे हो, चाहे आप फिश से कमा रहे हो, चाहे आप टूरिज्म से कमा रहे हो, समुद्र के किनारे आप जिस भी चीज से कमा रहे हैं, चाहे पोर्ट से कमा रहे हो, चाहे आप जो शिपिंग से कमा रहे हो, सब का सब ब्लू इकोनॉमी में आता है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉल्ड फॉर डॉट 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 इन डोनेशन फॉर अ प्लान टू फाइट अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने की योजना के लिए दान में कितने डॉलर का दान दिया है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 675 मिलियन का दान दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है, फटाफट बताइए। देखो यहाँ पे रितु कह रहे सर कब तक का करवाएंगे। देखो ये तो तुम्हारा चल रहा है फैब का चल रहा है। आज हम लोग जो है कि फैब की सीरीज चला रहे हैं। फैब खत्म हो जाएगा तो मार्च चलाएंगे, मार्च खत्म हो जाएगा अप्रैल चलाएंगे और फिर मई चलाएंगे। तो फैब से मैंने शुरू किया है और इधर से पूरा लेके चलेंगे, फैब से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये फैब का चल रहा है, ठीक है। चलिए 675 मिलियन, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिड कॉन्डक्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक विद द थीम ऑफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किस थीम के साथ किया? देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कब से कब तक हुआ, तो 10 फेब से 14 फेब के बीच में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया जाता है ना, 10 फेब से 14 फेब, 10 फेब से 14 फेब। अब यहाँ पे समझो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक में एक सेक्टर को सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें क्या क्या हम फैसिलिटी देते हैं, बैंक्स में आप क्या क्या जाके फैसिलिटी ले सकते हो, लिटरेट होइए, साक्षर होइए। पिछले साल जो थीम थी वो थी फार्मर्स, पिछले साल जो लास्ट ईयर की थीम थी वो फार्मर्स को हम लोग बता रहे थे कि आपके लिए जनधन योजना चलता है, आपके लिए मुद्रा योजना है, आपके लिए जनधन, आपके लिए जीवन ज्योति योजना है, आपके लिए अटल पेंशन योजना है, आपके लिए श्रम योगी मानधन योजना है, आपके लिए ये सारी योजना है, मुद्रा योजना के थ्रू आप लोन ले सकते हैं, 10,000-20,000 का भी लोन ले सकते हैं। इस बार थीम था एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि जीडीपी डाउन चल रही है ना, तो एमएसएमई सेक्टर जो बंद पड़ रहे हैं उनको कैसे पैसे मिल सकते हैं, कैसे फंड मिल सकते हैं। इस समय 59 मिनट का भी स्कीम लेके चल रही गवर्नमेंट की, 59 मिनट में एमएसएमई सेक्टर को लोन मिलना चाहिए। माइक्रो इंडस्ट्री 5 करोड़ तक के, 5 करोड़ तक के टर्नओवर को कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज 75 करोड़ तक के टर्नओवर को कहते हैं, और मीडियम इंटरप्राइजेस 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को कहते हैं। इससे ऊपर वाली बड़ी कंपनियां हो जाती हैं जिसके मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी, जो हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं और नागपुर से चुन के आते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम जन सेवक टू इंश्योर द होम डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। यानी किस राज्य ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना शुरू की है दोस्तों? तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आएगा, कर्नाटका ने शुरू की है। किसने शुरू की है, कर्नाटका ने शुरू की है। तो आज हम लोगों ने फरवरी के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके लॉकडाउन में पूरे 2020 के सारे करंट अफेयर पढ़ डालेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा गेम चेंजर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें मैं बैंकिंग से लेकर करंट अफेयर तक सब कुछ कवर कराऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, बर्निंग इशू से लेकर स्टैटिक जी के सब एक साथ आपको उस क्लास में मिल जाएगा, तो Y162 कोड यूज कीजिए, ऐप के थ्रू जाइए और आपको वो बैच मिल जाएगा adda247.com पर या अड्डा स्टोर पर। गेम चेंजर बैच का नाम है, उसे आज ही ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए बैंक में सिलेक्शन लेने के इस मुहिम में, जिसमें जीए को हम लोग गेम चेंजर मानते हैं, क्योंकि जीए ही है जिसे सॉल्व नहीं करना पड़ता और जिसमें आप पूरा नंबर ला सकते हो, बस हल्का सा गुरु का गाइडेंस मिल जाए कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, इस न्यूज़ में क्या पढ़ना है, ये गाइडेंस मिल जाती है तो अच्छे नंबर उड़ जाते हैं। Y162 कोड यूज़ कीजिए, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी प्री से मेन से पहुंचेगा सब मैथ इंग्लिश रीजनिंग का स्ट्रांग होगा, वहां पे जीए ही डिफरेंस पैदा करेगा,
क्योंकि आपको पास नहीं होना है, टॉप पे आना है, उन लोगों से ऊपर आना है तो जीए ही नंबर दिलाएगा, ये बात याद रखिए। इसलिए तैयारी अभी से करिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, क्योंकि उस समय समय नहीं बचता जब आपके एग्जाम्स एकदम नजदीक होते हैं। तो समय दिया है ऊपर वाले ने, लॉकडाउन का समय जब आपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, अब तो नेटफ्लिक्स के भी सारे शोज आपके कंप्लीट हो चुके होंगे, तो अब पढ़ाई करने का सही समय आ चुका है। कोई भी बैच लीजिए, सारे बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं, और महापैक ले लेंगे तो आपको सारे बैच एक साथ मिल जाएंगे, चाहे आशीष सर का वॉरियर बैच हो, चाहे शांतनु सर का दक्ष बैच हो, सिद्धांत जैन सर का जीत बैच हो, संतोष सर का उड़ान बैच हो, सौरभ सर का रीजनिंग का चैंपियन बैच हो, उदिशा मैम का इंग्लिश का अंग्रेजी मीडियम बैच हो, सिद्धार्थ सर का संकल्प बैच हो, मैथ्स का एसबीआई पीओ प्री का बैच हो, मेरा गेम चेंजर बैच हो यानी पीयूष रघुवंशी सर का गेम चेंजर बैच हो, या अक्षय अवस्थी सर का मैथ का सुपर वीर सूरवीर बैच हो, सबका सब आपको एक महापैक में मिल जाता है। अलग अलग भी ले सकते हैं और एक महापैक के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए जनरली 25% डिस्काउंट रहता है, लेकिन आज 47% डिस्काउंट है अगर ऐप के थ्रू जाते हैं और Y162 कोड यूज करते हैं, तो Y162 कोड में 42% है, और अगर ऐप के थ्रू जाते हैं तो 5% और, यानी टोटल 47% है। अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।